हमारा मेन मकसद है ये होगा भाइयों कि आप लोग, ये बाकी करेंसी भी मेरे पास, लेकिन ये आप पाकिस्तान के 1,000 रुपए से यहाँ पे क्या कुछ खरीद सकते हो, 1,000 रुपए। शी इज़ माई फ्रेंड, शी वॉज वर्किंग बिफोर ऑन KFC। थैंक यू, बाय बाय। जो कि खुद चलती है 3,50,000। और ये कीमत देख लो, लोग पूछते हैं ना सर ये देख लो भाई, टेस्ट कुछ इतने की मिलेगी, 3,50,000 की चली हुई, आपको 1.5-2 लाख में भी मिल जाती है। तो नॉर्मली ये देखो भाई, मेड इन बांग्लादेश, क्या लिखा है, मेड इन बांग्लादेश। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आज हम जा रहे हैं ख़रीदारी करने के लिए, मेरे साथ मौजूद है इस वक्त उस्मान भाई। आज हम आपको ख़रीदारी करके दिखाएंगे कि यहाँ हंगरी में टेस्को में आप लोग कैसे शॉपिंग कर सकते हो, कौन सी चीज़ कितने की मिलती है, ये देख सकते हो। तो ये अब हम लोग इस वक्त प्लाजा के अंदर आ चुके हैं, ये बैग मेरे हाथ में आप देख सकते हो, क्योंकि सीधा मैं काम के बाद आया हूँ। उस्मान भाई, ये आप कुछ कहना चाहो? मैं अभी बस जा रहे हैं, थोड़ी चीज़ें बताते हैं। अच्छा, ये मेरी एक दोस्त है और ये पहले काम करती रही KFC पे, हम इसको हेलो ही करते हैं। हेलो, हाउ आर यू? आई स्टार्ट माई यूट्यूब चैनल, से हेलो टू माई फ्रेंड्स। शी इज़ माई फ्रेंड, शी वॉज वर्किंग बिफोर ऑन KFC। थैंक यू, बाय बाय। अच्छा, ये देख सकते हो आप इस वक्त, ये होटल है सारे यहाँ पे, और ये एक डिलीवरी गाय है यहाँ पे जो कि खाना उठा रहा है यहाँ पे, और वो कह रहा है कि मेरी वीडियो नहीं बनानी है आपने। पाकिस्तानी भाई थे अपने। अच्छा, ये ज़ारा ब्रांड है ये। उस्मान भी एक मिनट रुक जाओ ज़रा, ये आप मेरे पीछे देख सकते हो, ये ब्रांड है ज़ारा का, और यहाँ पर असल में जो कपड़े आते हैं वो मेड इन पाकिस्तान, मेड इन बांग्लादेश भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं यहाँ पे। डीकैथलॉन में मैं गया था, वहाँ पे मेड इन बांग्लादेश के वो कपड़े वगैरह पड़े थे। अच्छा अच्छा, लोगों को बताना चाह रहा था मैं कि हम टेस्को में जा रहे हैं। एक्चुअल में जो हमारा आज का टारगेट है वो ये है, लोगों को बताया जाए कि यहाँ पे आप चीज़ें कैसे खरीद सकते हो सस्ते में। मैं अपना बैग यहाँ पे बगल के पास छोड़ूंगा, फिर ये मान जाए तो बच्चों टाश का दम तो तू कित वाला होगा आदमी मगावल कैलविन ने नम गोंदल था मुझ नम था मुझ लहद बबिन नहीं बजना मैं जा तलान। ओके क्वेश्चन, हमने पूछा बाबे से कि हम लोग अंदर अपना बैग लेके जा सकते हैं या नहीं लेके जा सकते हैं, तो बाबे ने बोला कि आप लेके चले जाओ क्योंकि मैं आपके बैग की जिम्मेदारी नहीं उठा सकता। ये हम यहाँ से एक बास्केट उठाएंगे उस्मान भाई। अच्छा, हम लोगों का हमारा मेन मकसद यह है कि लोगों को ज़रूरियाती ज़िंदगी की चीज़ें वो दिखाएंगे, चॉकलेट्स बच्चों के लिए। ये पहले तो यहाँ पे आ जाना, 355 फॉरेन की मिल्क चॉकलेट मिलती है। अच्छा, और ये आप 355 फॉरेन की ये चॉकलेट ले सकते हो। मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी उस्मान भी इतना ही रेट चलता होगा, 300 की बड़ी चॉकलेट इतने की मिलती है। हमारा मेन मकसद है ये होगा भाइयों कि आप लोग, ये बाकी करेंसी भी है मेरे पास, लेकिन ये आप पाकिस्तान के 1,000 रुपए से यहाँ पे क्या कुछ खरीद सकते हो, 1,000 रुपए। ये यहाँ पे आ गया तरबूज, 499 रुपए का पर किलो। अब पाकिस्तान में आप देख सकते हो इसकी क्या कीमत है, ये यहाँ पे 499 रुपए का पर किलो है। उस्मान भाई इधर आओ प्लीज़, इसको चेक करो आप कि ये मीठा है या नहीं मीठा, अगर अच्छा है तो फिर ख़रीद लेते हैं, कब चेक करना तो आता ही होगा आपको। बस आवाज़ अच्छी, वाइब्रेशन ज़्यादा नहीं आ रही, कोई पता नहीं है। ये उस्मान भाई ने चेक किया लेकिन उस्मान भाई को कुछ अंदाज़ा नहीं हुआ। अच्छा चलो, टमाटर भी दिखाए जाए। ये भाई टमाटर अच्छे तो हैं लेकिन महंगे बहुत हैं, तकरीबन सस्ते हैं, नॉर्मली इस बार में 1100 चल रहा है तो अच्छा रेट है। अच्छा, ये तकरीबन 550 के किलो टमाटर हैं, 550 फॉरेंट के, तो आप इक्वल करते जो पाकिस्तान इंडियन करेंसी में कि वहाँ पे कितने बनते हैं। ये आ गई अदरक, अदरक यहाँ पे भाई मिल रही है, ये देख सकते हो आप, 899 की एक किलो अदरक है, काफ़ी महंगी है। ये है चीकू जो कि 400 का, ऑरेंज, ये ऑरेंज आ गया भाई, ऑरेंज का रेट चल रहा है इस वक्त तकरीबन 700। आगे लेमन आ गए जो कि 20% डिस्काउंट के ऊपर है, और इसकी इस वक्त 1,040 रुपये डिमांड है इस एक पैकेट की, देख सकते तकरीबन 1,000 रुपये में आपको ये एक पैकेट मिलेगा। यहाँ पे जूसेस वगैरह हैं जो कि प्योर 100% यानी कि रियल जूसेस वगैरह हैं, और इवन के साथ लिखा होता है, अगर कोई 100% ना हो ना तो फिर उसके साथ मेंशन रहता है ये चीज़ कितने की, 100% है, 80% है, नॉर्मली यहाँ पे 100% चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये लेज पाकिस्तान में बहुत खाए जाए हैं ना लेज, ये देख लो, ये बड़ा पैकेट है और ये 30 ग्राम का पैकेट है, और इसकी कीमत है तकरीबन 820 फॉरेंट। जो छोटा पैकेट है लेज का ये वाला,
इसकी कीमत है 519 फोरियन। अच्छा उसमें भी आपको चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान नहीं नजर आ रहा। मिल गया उस्मान भाई? हाँ यहीं पे। ये भाई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान, ये जो से वो चूना वगैरह साफ करते हैं ना दीवारों से, ये इस एक की कीमत है 200 फोरियन। सूट केसेस नॉर्मली यहाँ पे सस्ते मिलते हैं टेस्को में, लेकिन ये अच्छे नहीं है। अच्छे नहीं है ये? एबीएस मटेरियल है, एबीएस मटेरियल अच्छा। अच्छा साइकिल का सामान भाई ये यहाँ से मिलता है, ताले वगैरह लोग पूछते हैं साइकिल का सामान। ये साइकिल की लाइटें हैं, ये ताला है 2000 का तकरीबन, ये पैडल है 3000 का, ये हेलमेट पड़े हैं, ये सीट का कवर पड़ा है, ये देख सकते हो आप। वो अमेरिकन टूरिस्ट क्वालिटी का, लेकिन ये भी उसी में 40000 का ये बैग है काला। गाड़ियों के स्टेयरिंग के रबड़ कवर वगैरह ये देख सकते हो आप, 3000 के अंदर अंदर हैं ये तकरीबन। तो ये है इलेक्ट्रिकल बाइक जो कि खुद चलती है, ये देख सकते हो आप 3,50,000। और ये कीमत देख लो, लोग पूछते हैं ना सर ये देख लो भाई, टेस्को से इतने की मिलेगी 3,50,000 की। चलिए ये आपको 1.5-2 लाख में भी मिल जाती है। अगर हमारी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ हमारी वीडियोस को लाइक करें। व्लॉग आएंगे अभी इंशाल्लाह, अभी आपको ऐसे व्लॉग्स और मिलेंगे। अच्छा ये कपड़े हैं, यहाँ पे लोग कहते हैं पाकिस्तान से कपड़े लेके आए, मैं कहता हूँ यार पाकिस्तान से कपड़े मत लेके आओ। ये देखो यहाँ पे भाई 30% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट लग जाता है जैसे ही सीज़न ऑफ होता है। तो नॉर्मली ये देखो भाई मेड इन बांग्लादेश, क्या लिखा है? मेड इन बांग्लादेश। आपको यहाँ पे कपड़ों में ना नॉर्मली मेड इन बांग्लादेश, मेड इन पाकिस्तान ही नज़र आएगा, क्योंकि ये कपड़ा आता ही हमारे कंट्री से है। अच्छा कपड़ा पाकिस्तान से बांग्लादेश से बन के आता है। टमाटर लेने हैं? उस्मान भाई हमारे टमाटर डाल रहे हैं, चाहिए उनको टमाटर। वो केले नज़र आ गए उस्मान भाई मुझे। अच्छा वो सामने पड़े गुड, ये हैं केले, देखिए कितने सफाई के साथ रखे हैं, कोई मक्खी शक्खी नहीं बैठी। मैं ले लेता हूँ इसमें से 5, इधर ही छोड़ देते हैं, 5 केले काफ़ी हो जाएंगे, 5 केले काफ़ी, बल्कि 6 हैं, चलिए ये 6 ही कर लेते हैं। आधी दर्जन? हाँ नहीं ये नहीं चाहिए, ये फजूल में यार, इसको हाथ में लेके जाऊंगा मैं, बैग में डाल दूंगा। अच्छा दूध भी ले लेते हैं उस्मान भाई जी। केले की कीमत है भाई 1000 का एक किलो का केला। और ब्रेड वगैरह आपको चाहिए तो यहाँ से ताज़ी ब्रेड, ताज़ी चीज़ यहाँ से मिलेगी आपको। ये है दूध, दूध कितना का मिलता है हमारी कंट्री की नस्बत, यहाँ पे दूध कितना महंगा है कितना? अच्छा दूध का डब्बा यहाँ पे तो 500 का बता रहे उस्मान भाई, ये 389 का, लेकिन ये दूध अच्छा नहीं है, ये 2.8 चाहिए। और समझ लो जो दूध के अंदर ये जीर होती है 2.8, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? थिकनेस, दूध के अंदर जो थिकनेस होती है वो 2.8 वाली। तीन क्वालिटीज़ का दूध मिलता है, 1.5 जो सबसे महंगा होता है, वो लोग जो फिटनेस एक्सरसाइज वगैरह करते हैं वो लोग पीते हैं, इस वजह से वो महंगा होता है। फिर आता है 2.8 ऐसा मिल्क है जो नॉर्मली यूज़ इस्तेमाल होता है घरों में हर काम में, तो वो उसके ऊपर एक सब्सिडी भी मिलती है जिस वजह से वो सस्ता होता है। उसके अलावा आता है सबसे ज़्यादा थिकनेस वाला 3.5, उसकी प्राइस 1.5 से कम होती है, तो हम 2.8 इस्तेमाल करते हैं, यहाँ आपको नहीं मिलेगा वो। बस तो कह रहे हैं भाई जल्दी करो। अच्छा भाई यहाँ पे आप ले सकते हो आलू वगैरह, आइसक्रीमें वगैरह मिलती हैं, कटी हुई चीज़ें, ये देख लो आप, 2000 का पैकेट मिलता है आलू का, चिप्स का 1000 का, मैक्सिमम 2000 तक। ये पिज़्ज़ा पड़ा हुआ, पिज़्ज़ा भी देखें आप 2000 का, वो सामने पड़ा है। ये टूथपेस्ट देखो भाई, दांत इस्तेमाल करने के लिए ना दांतों पे 1200 फोरियन, 1000 में तो ये निकल जाएगा। उसके बाद शैम्पूज वगैरह बच्चों की चीज़ें, ये मेरे काम की तो नहीं, हाँ ये शैम्पू हमारे जो पड़े हैं नेविया मेंस, ये देखें 1200 फोरियन का, 1500 फोरियन का। ये गाइस अक्सर में हमने ख़रीदारी नहीं करनी थी, हम लोग सिर्फ इसलिए आए थे कि आपको ये व्लॉग बना के दिखाया जाए, यानी कि चीज़ें कैसी होती हैं यहाँ पे, कितनी कीमत कितनी है चीज़ों की। अच्छा इसमें दो ऑप्शन होते हैं, एक तो ये कि आप जाओ और वहाँ पे जो कासा उसके ऊपर जाके आप खुद लड़की बैठी थी वो आप वहाँ पे कैशियर को पैसे दो, और एक पोर्शन होता है जहाँ पे आप खुद यानी कि पैसे दे के निकल सकते हो, ये अलग सा पोर्शन बना होता है, यानी कि जहाँ पे आप अगर कार्ड के पेमेंट कर सकते हो तो वहाँ पे आप सिंपल अपने कार्ड के द्वारा पेमेंट करके निकल सकते हो। उस्मान भाई ग्लासेस देख रहे हैं जी, ये तो नज़र वाले हैं। अच्छा मैंने वो मच्छर से बचने के लिए ना, अच्छा सेफ्टी का ख्याल रखा जाता है क्योंकि भीड़ होती है सम टाइम लोगों की, तो आग वगैरह लगने के खतरे के लिए ये देखें सेफ्टी का पहला ख्याल है यूरोप में। और अब क्योंकि क्लोजिंग का टाइम है तो ज़्यादा लंबा ब्लॉग मैं नहीं बना पाया हूँ, इस लाइन अप में खड़ा हो गया, जैसे अपना नंबर आएगा तो हम यहाँ पे पैसे दे के अपनी चीज़ें परचेस करके यहाँ से
निकल जाएंगे। हाँ जी, उसने बोला है कि दुकान बंद हो गया, आप जा सकते हैं। उसने आपको ये इसका पे हो जाएगा? हाँ, पे तो हो जाएगा। चलें आप खुद ही, आपको चलें लोगों को ये भी दिखा देते हैं कि आप खुद कैसे पे कर सकते हो। अच्छा सामान भी यहाँ पे रखें, के लें अब मैं लोगों को बताता हूँ कि आपने कैसे पेमेंट करना है। यहाँ पे पहले इसका वज़न होगा, यहाँ पे रखूँ? हाँ जी, अब हम इसको, हाँ जी, आप इसको इंग्लिश में कर सकते हो आप इसको। उसके बाद हम यहाँ पे इसको केलों को रखेंगे, स्कैन करेंगे अपनी चीज़। यहाँ पे रखे केले हमने, तो ये अब हमें बताएगा कि कौन सी चीज़ें, कौन से आइटम है, सर्च एंड आइटम। उसके बाद हम यहाँ पे चले जाएंगे वेजिटेबल्स के ऊपर, फ्रूट। हाँ जी, ये देखें आप। उसके बाद ये बनानास आ गए, उसके बाद ये केले आ गए, ये नॉर्मल केले हैं, बायो वाले वो महंगे होते हैं, नॉर्मल केलों पे आ गए। उसके बाद हमने इनको वज़न कर दिया। अब यहाँ पे आप पैसे भी डाल सकते हो, पैसे देने हैं तो आपने पैसे यहाँ से कैश डालोगे, और कार्ड के ज़रिए करनी है, हम कार्ड के ज़रिए कर रहे हैं फिनिश के ऊपर। उसके बाद ये पूछेगा कि आपने कार्ड के ज़रिए करना है, तो हम यस कार्ड के ज़रिए करेंगे। इधर क्या रखने या पूछना, तो हम पे के ऊपर क्लिक करेंगे। अच्छा, तो ये आपने पास रखना है अपना, ये ब्लॉक फेंक नहीं देना, क्योंकि इसके बगैर आप बाहर निकल नहीं सकते। और उस्मान भाई, ये आप साइड में हो जाता है कि मैं लोगों को दिखाऊं। ये मशीन है। अच्छा, ये मशीन लगी है, ये देखिए आपने। अब ये जो इसका हमने QR कोड है ना, ये हम इसके ऊपर स्कैन करेंगे तो तभी दरवाज़ा खुलेगा। अब ये देखें, दरवाज़ा जो खुला है ये दिखाओ लोगों को उस्मान भाई। ये दरवाज़ा अब ये ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, ये देखा बंद हो गया। तो इस तरीके से आपने अपना ये पेपर फेंकना नहीं है जब आप ख़रीदारी करके बाहर निकलोगे। तो अंधेरा हो गया, वरना लोगों को और भी काफ़ी सारी चीज़ें हम दिखाते। निशान भाई बस हाइब्रिड काम करते हैं, एक वक्त में दो काम, तीन काम, चार काम करने की कोशिश करते हैं, जिस वजह से काम रह जाते हैं। ये रेस्टोरेंट वाला माहौल लोगों को दोबारा दिखा दें उस्मान भाई कैमरे से, थोड़ा हाथ ऊपर करके। ये देख सकते हो अब ये रेस्टोरेंट का माहौल, अभी तक लोग बैठे खाना खा रहे हैं। अच्छा, तो ये अब बाहर आ चुके हैं हम, बाहर का माहौल आप देख सकते हो, लोग जा रहे हैं घरों को। ये उस्मान साहब मेरे साथ, और क्योंकि अब प्लाजा बंद हो चुका है तो अब लोग घरों को जा रहे हैं। ये खड़ी अपनी सवारी, अब हम सवारी को खोलेंगे और उस्मान भाई के साथ थोड़ी वॉक करेंगे, उसके बाद हम घर चले जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने आपको थोड़ा जल्दी में समझाया कि टेस्को पे आपने कैसे शॉपिंग करनी है, खुद से पेमेंट कैसे करनी है, और दूसरी चीज़ ये कि यानी ये कौन सी चीज़ कितने की मिलती है नॉर्मली। वैसे तो जो दाल चावल वगैरह इंपॉर्टेंट चीज़ें वो तो हम इसमें छोड़ गए, लेकिन वो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट व्लॉग में आप लोगों को बना के दिखाएं। ये वीडियो का मकसद थोड़ा सा टॉपिक से हट के था, वीज़ा इमिग्रेशन रिलेटेड टॉपिक से हट के था, कि आप लोगों को एजुकेट किया जाए। अगली वीडियो में और मज़ा आएगा, लेकिन जो मैं बोलूँगा वो अपने करना है, टाइम से आना है। अगली वीडियो में और मज़ा आएगा, लेकिन टाइम इसमें उस्मान भी कह रहे हैं कि लगेगा। तो हाँ जी, यहाँ पे हर चीज़ 9 बजे बंद हो जाती है। हाँ जी। अच्छा, जब आप साइकिल पे आते हो यहाँ प्लाजा में ना, तो अक्सर प्लाजा के सामने ऐसे बोर्ड लगे होंगे कि यहाँ पे आप साइकिल खड़ी नहीं कर सकते, ये देख सकते हो आप। तो जब ऐसा बोर्ड जिस जाली के साथ लगा हो ना, उस जाली के साथ अपने साइकिल खड़ी नहीं करनी, मेरा जुर्माना हो जाएगा। तो आपने यहाँ सामने हमने साइकिल खड़ी की, साथ ही मेरा बैग पड़ा है, उस्मान साहब साथ मेरे, पीछे का व्यू आप देख सकते हो कितना खूबसूरत आ रहा है। उस्मान भाई, आप सबसे ज़्यादा चाहेंगे अगर वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे ऐसे मजीद व्लॉग्स नए आएंगे, अगर आप हमारे नए व्लॉग देखना चाहते हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि हमारा व्लॉग कैसा था, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और मिलते हैं इस तरीके की लाइव सेशन में। उस्मान भाई लोगों को हेलो कर दें बस, तब तक के लिए जी, बाय बाय।